ओके सो दिस इज़ मी दानिश अल्फाज और आज आपके सामने मैं अपनी जर्नी सुना देता हूँ जैसे कि सर ने पूछा है। तो मेरी जर्नी बहुत ही अजीब है, ऐसी जर्नी है कि अगर मैं जर्नी सुनाने लगा तो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और उस पर एक मूवी भी बन जाएगी, क्योंकि जो जर्नी है मेरी वो स्टार्ट होती है एक छोटे से कस्बे से जहाँ पे मैंने पूरी अपनी लाइफ जो अपना बचपन है बिताया है। उसके बाद मैंने स्टडी की है मेरठ से, नोएडा से। तो मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके मुंबई आया था 2 साल पहले, तो उससे पहले की बहुत काफ़ी लंबी जर्नी है। बड़ी मुश्किल से मैं मुंबई आया था घर से ये झूठ बोल करके कि मैं जॉब करने के लिए जा रहा हूँ मुंबई, क्योंकि मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी। जर्नी चलो उस वक्त थी, और ये फिल्म जो पहली मिली वो भी एक जर्नी है, जर्नी, हाँ, द जर्नी ऑफ कर्मा इसकी भी एक जर्नी है। इससे पहले तो देखो, मूवी करने से पहले, मूवी मिलने से पहले आपको उस लायक बनना पड़ता है कि आपको मूवी दी जाए। तो शायद मैंने कुछ गाने उससे पहले अच्छे किए हैं और सबको पसंद आए, काफ़ी हिट रहे, और मेरा लास्ट गाना जो था तेरी तन्हाइयाँ टी सीरीज से था, उसमें काफ़ी व्यूज़ हुए, 14 मिलियंस आई गेस उस पर हो चुके हैं हिट। तो उस गाने के हिट होने के बाद मुझे मेरा इंट्रोडक्शन सर से हुआ, राकेश सबरवाल सर से। तो उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा, फिर फाइनली उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, तब मुझे ये मूवी मिली। मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि सब लोग बोलते हैं काम नहीं मिलता, लेकिन ऐसे ही मुझे सर का भी लगा कि वो भी बोल ही रहे हैं काम नहीं मिलेगा, बट फाइनली ऐसा इट हैपेंड। कितने गाने हैं इस गाने इस मूवी में? मेरे 3 गाने हैं, जिसमें 3 गानों में मैंने म्यूज़िक भी किया है। मैं एज ए सिंगर हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग सिंगिंग से ही की थी, तो फिर फाइनली मुझे म्यूज़िक भी शौक हुआ, मैंने म्यूज़िक भी सीखा, म्यूज़िक भी किया। तो लिरिक्स कंपोजिशन भी मैंने ही किया है, क्योंकि मैं पहले गाने लिखता हूँ उसके बाद कंपोज करता हूँ, जो कि सब लोग करते हैं, बट मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो एज ए सिंगर मैं मुंबई आया था, एज ए सिंगर ही मुझे काम करना है, एज ए सिंगर ही आगे बढ़ूँगा। और मेरा आगे भी सपना है कि अगर मुझे कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे मेरे जो आइडल हैं AR रहमान सर हैं, मेरा बहुत एक सपना है कि मैं उनके साथ भी काम करूं, और काफ़ी अच्छे हैं, विशाल सर हैं, उनके साथ भी मैं काम करूं, प्रीतम दा हैं, वो भी अगर मुझे इनवाइट करे तो मैं उनके साथ भी काम करूं, तो दैट्स माय ड्रीम। अच्छा, लगता है कि आज के ज़माने में बहुत कंपटीशन है, कहाँ कर पाऊँगा? कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर घर से अभी के टाइम पे कोई ना कोई आर्टिस्ट निकल के आ रहा है, वो चाहे म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो। तो इतने सारे लोग निकल के आ रहे हैं, और काम इतना ज़्यादा नहीं होता मूवीज़ में। तो काम एक है, करने वाले 100 लोग हैं, तो उनमें से एक ही को काम मिलना है, तो वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उस रेस में आपको क्रिएटिव बनना पड़ता है, उस रेस में आपको सबसे यूनिक बन के दिखाना पड़ता है, तब जाके आप बहुत सारे स्टार्स में एक चांद चमकता है। मैंने कहते हैं कि आज के दौर में, आज भी ओल्ड इज गोल्ड गाने सुनने की दुनिया सुनो, हाँ, नए गाने में 2-4-6 मैंने, आप अपनी म्यूजिक किस तरह बनाएंगे कि यहाँ लोग सदियों याद? कैसे लगा कि एक्चुअल में मेरा वो ही टेस्ट है, मैं गाने ही वैसे बनाता हूँ जो कभी ना मरे, जो हमेशा ज़िंदा रहें लोगों के फ़ोन्स में, दिलों में, दिमाग में। क्योंकि मुझे लव सैड बहुत अच्छा लगता था गाने बनाना, जो कि मैं करता आया हूँ। उसके बाद मूवी में भी एक गाना मेरा है, जो मुझे यकीन है, उम्मीद है, जिस तरह का रिस्पॉन्स उसका आया है, मौला मेरे, तो वो गाना भी अमर होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और शुगर बिस्किट है गाना, वो भी अच्छा गाना है, कॉजी, ये थोड़ा सेंसेशनल है। एक आओना है, वो फीमेल में है, लैला शर्मा ने गाया है, और शुगर बिस्किट ड्यूट है लैला शर्मा और मेरा। तो काफ़ी चीज़ें हमने की है, और ये जो आगे भी मैं अपने जो टेस्ट है उससे हट के जा रहा हूँ, मैं आगे क्लबिंग नंबर कर रहा हूँ, रैपिंग कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं मेरी आने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि अब तक मैंने जो किया वो अलग था, जो मूवी में किया वो अलग है, और जो अब मैं करने वाला हूँ सिंगल जो रिलीज़ होने वाले हैं वो बहुत अलग हैं। दर्शक नहीं मानेंगे, ओके, तो मैं कुछ गा देता हूँ।
मूवी का एक गाना है शुगर बिस्किट, ये मौला मेरा, ठीक है ठीक है, मैं मौला मेरे गा देता हूँ। एक बारी फिर से दिन निकले, चाहत में तेरी वो गुजरे, मौला मेरे मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे। कितना बिलीव करते हो कर्मा पे? जो नाम ही कर्मा है, मतलब 100% 100% मैं कर्मा पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है एक बार ऐसा। हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, बट मैं बिलीव करता हूँ, बहुत कर्मा पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि कर्मा एक ऐसी चीज़ है, ये ना बिलीव करने वाली बात है ही नहीं। कर्मा आपके पास आना ही है घूम के, दुनिया गोल है तो कर्मा भी एक गोल ही है। आप जो करोगे वो सर्कल हो के आपके पास आना ही है, वो चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। आओ सब लोग इसी चीज़ से उनको जानते हैं, और ऑब्वियसली उनकी एक्टिंग बहुत बहुत पसंद है मुझे, उनकी जो टाइमिंग्स है कॉमेडी की वो बहुत पसंद है। और पूनम पांडे शी इज़ हॉट, शी इज़ ब्यूटीफुल, और एक्टिंग सीरियसली इस मूवी के बाद तो मैं उनकी एक्टिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मूवी देखेंगे तो मूवी में उनकी एक्टिंग आपको बेहद पसंद आने वाली है। आप बोलोगे कि सीरियसली शी इज़ द वन जो ये चीज़ कर सकती है, और आगे और भी बड़े बड़े काम कर सकती हैं, आगे और भी सुपर स्टारडम पे जा सकती हैं। मतलब उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी इस मूवी से, ऑलरेडी वो शी इज़ सुपर स्टार। और शक्ति कपूर जी, उनके बारे में तो क्या कहना, वो तो लेजेंड है ही। आखिर में मैं यही बोलूँगा, सब लोग बहुत सारा जैसे प्यार करते हैं ऐसे ही करते रहिए आगे। मुझे फॉलो कीजिए मेरे सोशल पेजेस पे, इंस्टाग्राम पे मेरा दानिश अल्फाज, यूट्यूब पे दानिश अल्फाज, फेसबुक पे, और मेरे साथ ही जुड़े हुए न्यूज़ के इन लोगों को भी शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। और मेरी मूवी 26th of October को रिलीज़ हो रही है, द जर्नी ऑफ कर्मा, आप लोग सब देखने जाइएगा।